स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बेटे, बायोटेक्नोलॉजी हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। बहुत इस तरह के फील्ड्स है जिथे आप बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प नाल नवे प्लांट्स ते एनिमल्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर ह्यूमन बेनिफिट, for the benefit of mankind. With the help of biotechnology, there are options to increase the food production. Food production aap vadha sakde hain by using genetically engineered crops. Is tarah di kheti kariye aap jide vich genetically engineered crops nu aap use kariye. Theek hai, example BT cotton, BT brinjal. एंड बायोटेक्नोलॉजी जिहड़ी है बेटे, इट इज़ हेल्पफुल इन डायग्नोस्टिक्स, वख वख बीमारियां दा पता लगाउण च, प्रोसैसड फूड बनाउण दे विच जिवें आपां जूसिस मिलदे है या होर किन्ने तरह दे जिहड़े है लिफाफियां च बंद आपां नूं फूड आइटम्स मिलदियां, दे आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ biotechnology. It helps in bioremediation, waste treatment. So biotechnology plays a very important role in the industrial scale production of various products. Apan last chapter de vich study kita ki kis tarah apan gene of interest restriction enzyme de naal kat ke ते प्लाज़मिड नूं भी उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाल कट करके आपां एक रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज़मिड बना सकते हैं। आ मैं दिखाया आ ग्रीन कलर का प्लाज़मिड सी, आ रेड कलर का जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इन द प्लाज़मिड एंड दैन दिस प्लाज़मिड इज इंट्रोड्यूस टू द होस्ट इन टू द बैक्टीरियल सैल। तो यह की बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए सी, हुण जिहड़े बैक्टीरिया दे अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया वह की बन गया, रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया। उस तो बाद आपां इहदियां जीन ऑफ जिहड़ा अपना बन गया सीगा प्लाज़मिड, रिकम्बिनेंट प्लाज़मिड, इहदियां आपां मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसैस ऑफ एम्पलीफिकेशन यूजिंग द PCR मशीन। दैन वी कैन से दैट द होस्ट सैल इज ग्रोन इन द कल्चर टू फॉर्म द कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरस्ट। तो बहुत सारिया कॉपीज बन गई जीन ऑफ इंटरस्ट दियाँ, इतने एको ही बनाया आप प्लाज़मिड, रिकम्बिनेंट प्लाज़मिड्स, इतने देखो चार रिकम्बिनेंट प्लाज़मिड्स बन चुके हैं। तो बेटे इन्होंने फिर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जीन ऑफ इंटरस्ट कढ़ सकते हैं, तो उदू बाद उन्होंने यूज कर सकते हैं फॉर रिसर्च एंड वेरियस एप्लीकेशंस। So we can use these genes, ठीक है, ये genes नूं आपां use कर सकते हैं, जिहड़े genes आपां extract कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्हां नूं आपां use कर सकते हैं अगे in the basic research programs to produce pest resistant plants, ठीक है, जिहड़े genes है इन्हां नूं आपां plants दे विच पा के plants दे विच insert करके आपां पेस्ट रजिस्टेंट जीन्स है जिहड़े उन्होंने आइडेंटिफाई करके उन्होंने क्लोन करके उन्होंने नंबर ऑफ कॉपीज बना के अगे प्लांट्स के इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है, तो जिहड़ा है अपना पेस्ट रजिस्टेंट प्लांट्स है जिहड़े वो मिल जाएंगे, जिमें कि आप कह सकते हैं BT कॉटन, BT ब्रिंजल। तो बैक्टीरिया का जीन लैके दैट इज इंसर्टेड इन टू द plant by using a cloning vehicle and the plant becomes pest resistant. Then beta, these genes which can be extracted after the cloning has taken place, a large number of copies have been produced, it can also be used to alter, theek hai, to for the cleaning of the toxic waste. हुण बेटे जिवें सपोज करो बहुत वड्डे वड्डे शिप्स हुंदे है जिहड़े ऑयल कैरी करके लैके जांदे है फ्रॉम ईरान, इराक, साउदी अरेबिया, दुबई, जिहड़े इस तरह के कंट्रीज़ है जिथे जिहड़ा है
ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਪਸ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਇਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਇਟ ਫਲੋਟਸ ਔਨ ਦੀ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੀਸੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਦੀ ਕੁਐਟਿਕ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮਸ, ਆਲ ਦੀ ਕੁਐਟਿਕ ਫਿਸ਼ਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ, ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨਸ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦੀ ਵਾਟਰ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਇਲ ਸਪਿਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਊਡੋਮੋਨਾਸ ਟ੍ਰਾਈਡੇਟਾ, ਸਿਊਡੋਮੋਨਾਸ ਟ੍ਰਾਈਡੇਟਾ, ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਸਪਿਲਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ DNA ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੀਸ ਜੀਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਊਡੋਮੋਨਾਸ ਟ੍ਰਾਈਡੇਟਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੈਮ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਆਇਲ ਸਪਿਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਟ ਰਜਿਸਟੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਫੋਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਟੋਕਸਿਕ ਵੇਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਸਪਿਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਜੀਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਨਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਗਏ ਦੋਸ ਜੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਮਡ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਡ ਦੋਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫਰਦਰ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਟਸ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਜ਼ਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਈਨੇਸ। ਹੁਣ ਸੁਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਈਨੇਸ ਇਨਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਜੀਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਪਲਾਸਮਿਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਈਨਸ ਜੀਨ ਦੀਆਂ। ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਈਨਸ ਜੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੋਟ ਬਲਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ 'ਚ ਕਲੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਹੈ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੈਮ ਇਨ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਵਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਇਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡੀਟੇਲ। ਸੋ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਮੈਡੀਸਨ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦੀਸ ਟੋਪਿਕਸ। ਸੋ ਫਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਬੇਟੇ, ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਵਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਡਿਮਾਂਡ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਆਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ, ਔਨ ਦੀ ਕਰੋਪਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਪਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਡੂ ਨੋਰਮਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ, ਟਮੈਟੋਸ ਜਾਂ ਪੋਟੈਟੋਸ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 10-10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਦੇ।
बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन, जो तो सारे एको तरह की खेती कर लेंगे तो मार्केट के कॉम्पीटिशन हो जाता है, तो टोमैटोज का जो रेट है बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है, एंड आप न्यूज़ च सुनते हैं दैट फार्मर्स दे थ्रो क्वेंटल्स एंड क्वेंटल्स ऑफ टोमैटोज ऑन द रोड्स। ठीक है, और सैट देंगे क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है, वह जो उपरला छिलक है वह बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, बहुत जल्दी वह होर भी सॉफ्ट होकर वह पिलपिला टाइप हो जाता है तो वह गल जाता है, तो फिर उन्होंने आप स्टोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस करके बेटे जेडे आप कह सकते हैं जो टोमैटोज है दे हैव अ वेरी लैस शेल्फ लाइफ, सो वी नीड टू इनक्रीज द शेल्फ लाइफ बाय टेक्नोलॉजी बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। आप कुछ इस तरह का करना है कि जी टमाटर की बारली परत है वह मतलब जल्दी खराब ना हो, शेल्फ लाइफ वधानी है। हुण फ्रिज दे विच आपां वध तो वध एक हफ्ता रख लाँगे, उस तो ज़्यादा तो फिर खराब हो जाएंगे। शेल्फ लाइफ तो मेरा भाव है कि इस तरह दी होवे कि आपां एक तो डेढ़ महीना जिहड़ी चीज़ है उनू रख सकीए, राइट, कि वह गले ना। सो दैट इज़ द शेल्फ लाइफ। तो टोमैटोज की शेल्फ लाइफ आपां वधा सकते हैं बाय यूजिंग बायो टेक्नोलॉजी, दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग, राइट। उस तो बाद बेटे आप कुछ इस तरह के जड़े है पेस्ट रजिस्टेंट प्लांट्स बना सकते हैं, जिमें बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न। ठीक है, जिमें आप जो हम टमाटर है जो पैदा हो गए तो आप उन्होंने तोड़ लिया, सो दैट इज कॉल्ड द पोस्ट हारवेस्ट लॉसिस। भी झाड़ तो एक बार तो आप झाड़ तो वधिया आ गया, उदू बाद जिहड़ा नुकसान हुंदा उहनू घटाउणा इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग पोस्ट हारवेस्ट लॉसिस। फिर बेटे जिवें राइस है उहनू वाइटमिन ए एनरिच कर लिया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कैमिकल पेस्टिसाइड्स सोयल नूं खराब कर रहे है, ठीक है, अपनी फूड चेन के अंदर चले जाते हैं, दे कॉज बायो मैगनीफिकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी की हैल्प नाल आप इस तरह के प्लांट्स है जोड़े वो बना लिए कि आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करन की जरूरत ना पवे, बिकॉज दे एंटर द फूड चेन एंड हैव ड्रास्टिक इफेक्ट्स। उस तो बाद जिहड़ियां क्रॉप्स है वह इस तरह दियाँ बना लिए कि बाहर ठंड ज़्यादा होवे, गर्मी ज़्यादा होवे, सोका होवे, ठीक है, सॉयल सॉल्ट ज़्यादा होवे, फिर भी जिहड़ी क्रॉप है वह ग्रो कर पावे। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द पेस्ट रजिस्टेंट प्लांट्स दैट इज द बीटी कॉटन। वी विल टॉक अबाउट द बीटी कॉटन, हाउ दिस कॉटन हैज बीन मेड बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन। सो बीटी कॉटन दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ सॉयल बैक्टीरियम। सॉयल दे विच एक बैक्टीरिया रहिंदा है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरी जेनेसिस, बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। तो बेटे बीटी आप कह दें इन शॉर्ट बैसिलस तो बी लै ली, थ्यूरिन जेनेसिस तो टी लै ली। ये जो बैक्टीरिया बेटे ये कुछ प्रोटीनस प्रोड्यूस करता है जेडे इनसैक्ट्स नू मार देंदे, जिवें बहुत सारे जेडे है आप कह सकते बीटल्स, फ्लाइज, मस्किटोस। ठीक है, ये बेटे प्रोटीन जेड़ा है प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाउंदा है, ठीक है, आपदे अंदर। तो अगर इस बैक्टीरिया नू कोई भी खाऊगा, कोई भी इनसैक्ट, कोई भी मस्किटो इनू खांदा है तो वह जेड़ा है वह मर जाता है। ठीक है, जिहड़ा यह प्रोटीन है इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, सुस्त पिया हुंदा है, तो इस सुस्त स्टेट नूं आपां कहने आ प्रोटॉक्सिन। ठीक है, टॉक्सिन हुंदी है जहर, प्रोटॉक्सिन मीनस इनएक्टिव स्टेट, इन द बी ए पई है इन द इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, तो आपां पता है भी कोई भी अगर अपनी बॉडी दे विच प्रोटीन पिया है वह बनना कितों है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर जीन। जीन जिहड़ा है उहदी जो डीएनए के उपर जीनस पे उन्हों की ट्रांसलेशन होगी तो पर्टिकुलर प्रोटीन बन जूगा
फ्रॉम अ पर्टिकुलर जीन, तो जिहड़ा इह प्रोटीन है इह बनता है फ्रॉम अ जीन नेम्ड क्राई, स्मॉल सी आर वाई, एंड क्राई जिहड़ा इट इज़ रिटन इन द इटैलिक्स, जिहड़ा जिहड़ा है अपना जीन है, ठीक है, जे आपां क्राई जीन लिखना है वी विल राइट इट इन इटैलिक्स, सी आर वाई, सी नूं छोटा लिखना हुंदा है, राइट। हुण की हुंदा बेटे, साइंटिस्ट ने की कीता, जिहड़ा क्राई जीन है बेटे इहदे तों दो प्रोटीन्स बनते हैं, क्राई आई ए सी, क्राई आई ए बी। जदों आपां प्रोटीन्स लिखने उदों सी कैपिटल होनी चाहिए है, जो जीन लिखना है कराई उदो सी स्मॉल होंगी, दिस इज द डिफरेंस। साइंटिस्ट ने की किया, बैक्टीरिया दे विचों ए जीन कढ़िया, कराई जीन कढ़िया, विच इज़ रिस्पोंसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कराई आई ए सी एंड कराई आई ए बी प्रोटीन्स, द प्रोटीन्स विच कैन किल द इनसेक्ट्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया दे विचों बैसिलस थ्यूरीजेंसिस दे विचों जीन कढ़िया, ठीक है, जिन्हों आप कहने जीन ऑफ इंट्रस्ट, अपन ये जीन चाहिए अपना जी, ये जीन अपना कुछ फायदा कर सकता है। इस जीन नू बेटे किसी वैक्टर के थ्रू कॉटन के प्लांट दे विच इनसर्ट करता, जो कॉटन के प्लांट दे विच इनसर्ट करता ता ये लीव्स वगैरह दे विच स्टेम दे विच ये वाले जीन्स आ गए, जो जीन्स आ गए उन्होंने प्रोटीन्स बनाने शुरू करते, ठीक है। हुण जिहड़ा कॉटन का प्लांट सी जिहनूं आपां बीटी कॉटन कहने हैं, इट ऑलसो कैरीज द जीन्स, द क्राई जीन्स एंड द क्राई प्रोटीन्स, ठीक है, जिहड़े इनएक्टिव स्टेट दे विच पए है, राइट, प्रोटॉक्सिन। हुण की होगा बेटे, जदों कोई भी इनसैक्ट, कोई भी बुलवर्म आऊगा ते लीव्स नू खाऊगा, कॉटन दे नरमे दे लीव्स नू खाऊगा, जड़ी एह इनएक्टिव फॉर्म दे विच पई सी टॉक्सिन बेटे एक्टिव हो जूगी। एक्टिव क्यों हो जूगी? बिकॉज ऑफ द एल्केलाइन पीएच ऑफ द गट, मतलब जड़ी ओदी इंटेस्टाइन है ओदे विच जड़ा है एलीमेंट्री कनाल जिन्हों आपां कह सकते हैं, राइट, मतलब पूरी एलीमेंट्री कनाल, इंटस्टाइन नहीं, एलीमेंट्री कनाल है जिहड़ी उहदी, उहदे विच एल्केलाइन पीएच है, उहदे नाल बेटे जिहड़े क्रिस्टल्स दी फॉर्म च पिया सी इह क्रिस्टल्स खुरने शुरू हो जाणगे, ते जिहड़ा टॉक्सिन है इह एक्टिव हो जूगा। इनएक्टिव तां सी क्योंकि उहदियां डलियां पईआं, बज्जियां पईआं, क्रिस्टल्स है, जदों अंदर जाणगे इन दी एलीमेंट्री कनाल इन दी गट, उत्थे एल्केलाइन मीडियम है ते जिहड़ियां इह क्रिस्टल्स है खुर जाणगियां, ठीक है, सोलबलाइज हो जाएगियाँ। जदों बेटे फिर जिहड़ी टॉक्सिन है एक्टिव फॉर्म च आ गई तां इह की करेगी, इट विल बाइंड टू द एपीथीलियल सैल्स, ठीक है, जिहड़ी मिडगट है उहदे जिहड़ी लाइनिंग है उह काहदी बनी है, एपीथीलियल सैल्स की बनी है, तो यह जिहड़ा टॉक्सिन है उहदे एपीथीलियल सैल्स के नाल लग जूगा, तो उहदे विच बेटे छेद कर दूगा, मोरियां कर दूगा, पोर्स कर दूगा उहदे एलीमेंट्री कनाल दे विच। जदों मोरियां हो गईआं उह स्वैलिंग हो जूगी उहनां दी, ठीक है, ते उदों बाद बेटे आपां कह सकदे हां कि जिहड़ा इनसैक्ट है जदों उहदे जिहड़े सैल है, ठीक है, उहनां दे विच पोर्स हो गए, पोर्स हो जाणगे बेटे, जदों होल्स हो जाणगे तां पोर्स दे कारण सैल दे अंदर पाणी भर जूगा, जिहनूं आपां कहिंदे हां ओसमोटिक सैल लाइसिस। मोरियां होने के कारण सैल के अंदर जो फ्लूइड वड़ जाता है, पानी भर जाता है अंदर, इज कॉल्ड एज ऑसमोटिक सैल लाइसिस। तो जो अंदर पानी भर जाएगा तो जोड़े सैल है वह मर जाएंगे, तो जोड़ा ऑर्गनिजम है वो डैथ हो जूगी, जोड़ा इनसैक्ट नुकसान पहुँचा रहा से वो डैथ हो जूगी। जोड़े बेटे इनसैक्ट्स है जोड़े टबैको सॉरी कॉटन प्लांट न खांदे है, ठीक है, वो दो तरह के होंगे, कॉटन बोरर्स, कॉटन बोरर मतलब जिहड़े स्टैम दे विच छेद करदे है, स्टैम चो जूस वगैरह पींदे है, स्टैम दे विच पोर्स करदे, उन्हां नूं कहिंदे कॉटन बोरर्स। ते होर दूसरे इनसैक्ट है जिहड़े उहदे फ्लावर नूं खांदे है,
कॉटन दे फ्लावर नू फुल नू खांदे है। कॉटन दा फ्लावर बॉल वर्गा हुंदा है, तो इस करके जेड़े इनसैक्ट कॉटन दे फ्लावर नू खांदे है उन्हूं कहंदे है बॉल वर्म्स। तो मेरे ख्याल थोनू सारी चीज़ पता लग गई की कीता बैसिलस थ्रंजेनेसिस बैक्टीरिया चो क्राई जीन कढ़िया वैक्टर दे थ्रू कॉटन दे प्लांट दे विच इनसर्ट करता। कॉटन दे प्लांट दे विच जो तो इनसर्ट करता हूँ कॉटन दा प्लांट भी इस तरह दे क्राई प्रोटीन्स पैदा कर सकता है जेड़े इनसैक्ट्स नू मार देंगे। जो जेड़ा है कोई इनसैक्ट कॉटन दे लीव्स नू खाऊगा जां स्टेम नू खाऊगा उहदे अंदर जेड़ी इनएक्टिव टॉक्सिन है वह इनसैक्ट दे अंदर चली जाएगी तो वो एलीमेंटरी कनाल दे विच जाके जेड़े क्रिस्टल्स है वह सोलिबलाइज हो जाएंगे। तो जेड़ी क्योंकि वह एल्केलाइन पीएच है इस करके वह सोलिबलाइज हो जाएंगे। तो जेड़े एपीथीलियल सैल्स है एलीमेंटरी कनाल दे या आपां मिडगट कह सकते हैं इनसैक्ट दे विच जेड़े पार्ट्स हुंदे एलीमेंटरी कनाल दे उहदे विच पोर्स कर देंगे। पोर्स दे नाल स्वैलिंग हो जूगी तो लाइसिस हो जूगी जिन्हों आपां कहा ऑसमोटिक सैल लाइसिस। सैलां दे अंदर पानी भर जूगा एंड द इनसैक्ट इज गोइंग टू डाई। फिर बेटे एक जिहड़ा क्वेश्चन होर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि फिर बैक्टीरिया क्यों नहीं मरता क्योंकि उहदे कोल तां जहर है क्योंकि ये क्रिस्टल्स की फॉर्म च पिया इनएक्टिव फॉर्म च। जो इनसैक्ट दे विच जाऊगा उदों ही ये क्रिस्टल्स सोलबलाइज होंगे है ड्यू टू द एल्केलाइन पीएच ऑफ द गट। इस करके इहदा कॉटन ते या बैक्टीरिया ते कोई माड़ा प्रभाव नहीं पैंदा। ठीक है बेटे जिहड़े बेटे जीन्स है क्राई आई ए सी एंड क्राई आई ए बी दे कंट्रोल द बॉलवर्म्स। ठीक है मतलब वो फुल नू खान तो रोकते हैं। जेड़ा क्राई आई ए बी जीन है तो वह बेटे कॉर्न बोरर्स नू रोकता है जेड़े स्टैम दे विच शेद करते हैं। तो बेटे जेड़े इनसैक्ट होंदे ना ये ग्रगेरियस होंदे है मतलब वेरी डेंजरस जिथे अटैक कर जाते उ सारा खा जाते हैं जिमें टिड्डी दल सारा कुछ खा जाते हैं डिस्ट्रॉय कर देंगे डिस्ट्रॉय द इंटायर क्रॉप। ठीक है फिर कैटरपिलर्स वगैरह भी होंगे जे आप इन्हें कीटनाशक स्प्रे करा वो फूड चेन के आ जाएंगे तो आप कम नहीं करना तो आप जो प्लांट है उन्होंने ही रजिस्टेंट बना लिया कि वो कोई भी पेस्ट अटैक ना कर सके। एंड स्टूडेंट्स बीटी कॉटन इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप टू बी अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। लैब च तां बहुत सारिया बनदियां हैं भी कमर्शियली किसान इनू ला सकते हैं तो बीटी कॉटन है जिहड़ी वो फस्ट है ट्रांसजेनिक क्रॉप टू बी कमर्शियली कल्टीवेटड इन इंडिया। तो बेटे अपना जिहड़ा जिवें मालवा खेतर है बीटी कॉटन फार्मिंग हैज शोड गुड रिजल्ट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए है। ठीक है इनू कॉटन बेल्ट मनिया जाता है। ठीक है पर नरमे दे उत्ते ज़्यादा सूडी का अटैक हो जाता सी तो किसानों नू अच्छी पैदावार नहीं मिलती सी इस करके झोने वाल सारे का झुकाव हो गया। जिहड़ा जिहड़ा राइस है वह बहुत पैडी है जिहड़ा वह बहुत ज़्यादा पानी वरतदा है तो अगर आप बीटी कॉटन जी इंट्रोड्यूस कराई है तो जो मालवा रीजन है वह डेजर्ट बनता जा रहा क्योंकि उत्थे झोने नाल वारी वारी जिहड़ा है पानी का लैवल घट रहा है तो कॉटन की प्रोडक्शन के नाल। ठीक है आप बचा सकते हैं। ठीक है बाय बिकॉज कॉटन नीड्स मच लैस वॉटर अपने रेनफॉल भी थोड़ी घट होंदी है इस करके कॉटन की खेती करके आप जिहड़ा है पंजाब नू मालवा रीजन नू बचा सकते हैं ताकि पानी है जिहड़ा वह भी एक जिहड़ा फ्रैश वाटर है वह मतलब ज़्यादा आपां नू पल्यूट हो रहा है इस करके आपां जिहड़ा है कॉटन का यूज कर लिए एंड रिप्लेस इट विद पैडी।
सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन. एंड इन द नेक्स्ट सेशन आई वुड एक्सप्लेन अबाउट द अनदर एप्लीकेशन, दैट इज द पेस्ट रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द निमेटोड्स. निमेटोड्स आर द राउंड वॉर्म्स. एंड वी विल डू अबाउट द ट्रांसजेनिक टोमैटोस, जिन्हों कहते फ्लेवर सेवर, जिदे नाल उदी जिहड़े पोस्ट हार्वेस्ट लॉसिस है उन्हां तो बचिया जा सकता है. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गोल्डन राइस.